वेलकम टू एक्स्ट्रा कूल स्टफ, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जियो फोन F61F मॉडल का हार्ड रीसेट करने चलेंगे। ये करने की जरूरत हमें अब इसलिए पड़ी है कि जो ये जियो फोन है ये बूट लूप में फंस गया, यानी कि इसका लोगो जैसे स्टार्ट होता है ये इसी में ही दोबारा रीस्टार्ट होता रहता है, जैसे कि आप इस वीडियो में ये देख पा रहे हैं। अभी मैंने इसको 1.5 टाइम फास्ट कर दिया, ये देखिए आप, ये इसी बूट लूप में फंस गया है। इस इश्यू को सॉल्व करने का और कोई तरीका तो अभी है नहीं, हमें इसको हार्ड रीसेट ही करना पड़ेगा। इसका तरीका मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, आप देखते रहिएगा। अब जैसे देख पा रहे हैं अभी इसी लोगों पे हैंग हो रहा है, अब ये देखेंगे अब ये दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी लोगों पे इसी जगह हैंग हो रहा है, अब ये देखिए फिर दोबारा रिस्टार्ट हो गया, तो यानी हमें ये इशू है। अब अगर हम पावर बटन से दबा के करते हैं तो ये दोबारा रिस्टार्ट हो गया। इसके लिए हमें इसकी बैटरी निकाल के इसे स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और मैंने इसका मेमोरी कार्ड और सिम पहले ही निकाल दिए। ये आप इधर मॉडल नंबर देख सकते हैं, F61F लिखा हुआ है, ये फ़ोन के अंदर हर मॉडल पे लिखा होगा। अब हार्ड रीसेट करने के लिए हम बैटरी इंसर्ट करेंगे, और हम ध्यान रहे हम अभी फ़ोन स्टार्ट नहीं करना है। इसको चालू करने का तरीका ये है, जो F61F मॉडल है इसमें जो अपर वाली की है प्लस में पावर बटन हमें दबाना हो तो ये हार्ड रीसेट हो जाएगा, और E81E मॉडल के लिए नंबर 8 की प्लस में पावर बटन दबाना हमें पड़ेगा। अब मैंने इसमें अपर की और पावर बटन को दबा दिया है, अब ये स्टार्ट हो गया। अब जो आगे एक मेन्यू आएगा ये चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है हमें उस पर पहुंचना है। उस पर पहुंचने के लिए जो नीचे की तरफ जाने के लिए हमें जियो वाला बटन आप जैसे देख पा रहे हैं इसको दबाना पड़ेगा। इसको दबा के हम जितनी बार दबाएं वो नीचे चला जाए, और लास्ट वाले पे हमें पहुंचना है ऑप्शन पे। और इसमें ओके करने के लिए इसमें आपका ये इधर राइट साइड टॉप पे जो बटन है जिस पे आप ये रुपए का निशान दे सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। अब मैं इसको ये क्लिक कर देता हूँ, अब इसमें ये फॉर्मेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब जो भी डाटा होगा वो इसमें से इरेज हो जाएगा, और फ़ोन हम जैसे नया लेके आए थे वैसे की तरह ये रिस्टार्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इस पे फॉर्मेटिंग का लिखा आ रहा है, अब डाटा इससे इरेज हो रहा है। अब ये नए फ़ोन की तरह है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो अब ये रीस्टार्ट होना चालू हो गया। मैंने इसकी स्पीड अभी 1.5 टाइम कर दिया, पर एक्चुअल में जो टाइम लगा था इसे स्टार्ट होने में वो 1 मिनट और 10 सेकंड के आसपास लगा है। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल जो जियो का लोगो आता है वो इस पर डिस्प्ले हो रहा है, अब ये स्टार्ट होने वाला है। बात रही इसमें ये प्रॉब्लम हमें क्यों फेस हुई है, इसकी 2-3 वजह हो सकती है। एक ये है कि हमने इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है, दूसरा इसमें स्टोरेज की वजह हो सकती है, स्टोरेज हमने कर दी और बचा ना हो, और तीसरी वजह इसमें ये हो सकता है कई बार हम इसे रीस्टार्ट करने के लिए डायरेक्टली ही बैटरी निकाल देते हैं। जब भी हमें जैसे सिम वगैरह या मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ भी हमें इसमें करना हो तो स्विच ऑफ करने के लिए हम पावर बटन का इस्तेमाल करें। अब ये हमारा फ़ोन रीसेट हो गया, और ये नए फ़ोन की तरह हमें इसे सेटअप करना होगा। ये आप ही देख पा रहे हैं, ये मैंने इसके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए, अब ये फ़ोन हमारा एक नए फ़ोन की तरह सेट हो चुका है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।